हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, मार्केटिंग में इसकी क्या नीड है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, मार्केट जो होती है वो अलग अलग तरह के जो कस्टमर्स होते हैं उनको मिलाकर के बनती है। कस्टमर्स की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के या किसी भी डिज़ायर को लेकर के। जब कंज्यूमर मार्केट में परचेज करने जाता है तो वो कंज्यूमर छोटे बच्चे से लेकर के एक सीनियर सिटीज़न तक का हो सकता है। तो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट और एक सीनियर सिटीज़न की रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के। तो अगर हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम उसको मार्केट में निकाल देते हैं कि वो प्रोडक्ट एक बच्चे की रिक्वायरमेंट भी वही पूरी कर देगा, यंग जनरेशन की भी वही पूरी कर देगा, और एडल्ट्स जो सिटीजन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन जो एजड सिटीजन्स होते हैं उनकी भी यही पूरी कर देगा, ऐसा नहीं। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक ही प्रोडक्ट सबकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि हर कंज्यूमर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, टेस्ट होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं, नीड होती है, फैमिली इनकम लेवल डिपेंड करता है उसकी परचेजिंग पावर पे। तो इस तरह से जो है हर कंज्यूमर को अगर हमें सेटिस्फाई करना है तो हम केवल एक ही मार्केट या एक ही तरह की वैरायटी निकाल करके हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम मार्केट को डिवाइड कर लें अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग जो है एक वेरिएबल बना लें। जैसे जिन कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो हैवी है तो उस हिसाब से हम उस प्रोडक्ट की जो है बड़ी क्वांटिटी का पैकेट बनाएं। जिन कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट कम है उनके अकॉर्डिंग हम उस पैकेट को थोड़ा कम साइज का बनाएं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसी प्रोडक्ट की अलग अलग जो है पैकेजिंग कराएं, ताकि हर तरह के कंज्यूमर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो इसमें एक वेरिएबल हमने रखा साइज का। इसी तरह से जो है टेस्ट हो सकता है, फैमिली इनकम जो होती है वो डिपेंड करती है, इनकम लेवल के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट का हम बना सकते हैं प्रोडक्ट की रेंज की। जैसे कार बनाने वाले होते हैं वो अलग अलग रेंज की कार बनाते हैं जबकि प्रोडक्ट एक ही होता है अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल लोगों के। तो इसमें वेरिएबल जो है इनकम लेवल आ गया। तो इस तरह से जो है हम अलग अलग कुछ वेरिएबल छाट करके, कुछ अलग अलग वेरिएबल बना करके उनके अकॉर्डिंग अपनी मार्केट का सेगमेंटेशन कर लें, यानी उसको अलग अलग डिवाइड कर लें, और फिर उन सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम पॉलिसीज़ बनाएँ, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स बनाएँ, और फिर हम उसके हिसाब से मार्केटिंग करें। तो हमारी मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, बजाय इसके कि हम एक ही तरह का सेगमेंट रखें और एक ही तरह की जो है मार्केटिंग करें, क्योंकि वो मार्केटिंग सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगी, कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। जिस कंज्यूमर की जैसी नीड है हम उसको वैसे उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और आज का जो समय है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, मार्केट में कॉम्पिटिशन है, कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन आज की मार्केटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बन गया है। द टोटल मार्केट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट होमोजेनियस, रैदर इट इज हिट्रोजेनियस बिकॉज ऑफ वेरिंग टेस्ट, वैल्यूज, प्रायोरिटीज, नीड्स, बाइंग हैबिट्स एक्सेट्रा। ये अलग अलग वेरिएबल हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर की अलग अलग डिमांड होती है। तो उसी हिसाब से मार्केट को डिवाइड करना मार्केट सेगमेंटेशन में आता है। ऑफ द कस्टमर्स एंस एक मार्केटर प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ए प्रोडक्ट सो एज टू सर्व द नीड ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, इट इज़ टर्म्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन। तो इस तरह मार्केटर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है प्रोडक्ट की वेराइटी बना करके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो बनाता है, रखता है, प्रेजेंट करता है, इसे ही मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, कार मैन्युफैक्चरर डिवाइडेड द मार्केट सेगमेंट
फॉर इट्स कार एज यूटिलिटी कार वैन MUV SUV एक्सेट्रा। जैसे कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरर ने अपनी कार की अलग अलग वैरायटी अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड, फैमिली इनकम और रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से उसने अलग अलग तरह की जो है कार बना दी है। स्मॉल कार, बिग कार, वैंस, मोटर यूटिलिटी व्हीकल, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो इस तरह से अलग अलग जो है उसने बना दिए ताकि हर तरह का कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स को जो है यूज़ कर पाए अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें डेफिनेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केट सेगमेंटेशन रेफर टू डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट्स इंटू स्मॉलर कस्टमर डिविजन हैविंग सर्टेन होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाई द फर्म। इसमें यही कहा गया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन में कि हम क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन में जो हिट्रोजीनियस मार्केट है वो मेट्रोजीनियस मार्केट के हिसाब से हम अलग अलग कस्टमर्स की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से हम होमोजीनियस वेरिएबल लेकर के उसमें डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी अलग अलग मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से अलग अलग हम फिर पॉलिसी बनाते हैं और उसी हिसाब से कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो है मार्केट को अलग अलग जो है डिवाइड करना उनके टेस्ट के, वैल्यूज़ के, प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग, इसे ही मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। दस मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिवाइडिंग ऑफ ए मार्केट इंटू सब सेट ऑफ कस्टमर्स लाइक टेस्ट, बाइंग हैबिट एक्सेट्रा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें यही है मार्केट सेगमेंटेशन में कि हम मार्केट को सब डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग टेस्ट में, वैरायटी में, अलग अलग वेरिएबल में जो भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, और उन वेरिएबल के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन के लिए क्या क्या बेसिस रखे गए हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। द जियोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट रेफर्स टू सब डिविजन ऑफ द टोटल मार्केट ऑफ ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक फीचर्स लाइक नेशंस, रीजन्स, सिटी साइज, स्टेट, एज, जेंडर एंड नेशनलिटी। जियोग्राफिक से मतलब यही है यहाँ पर कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, या किसी उसका जो है जियोग्राफिक जो क्वालिटीज़ होती है, जैसे प्लेन एरिया, हिल एरिया, उनके हिसाब से। तो इस तरह से जो है अलग अलग मार्केट के सेगमेंटेशन डिसाइड कर लेना। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंटेशन मेथड बिकॉज कंज्यूमर नीड्स, वांट्स एंड यूसेज ऑफन वेरी क्लोजली विथ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लाइक टेस्ट, हैबिट्स, लिविंग स्टाइल, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। जियोग्राफिक जो सेगमेंटेशन है वो इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि जियोग्राफिक्स जो होती हैं अलग अलग कंट्री की, अलग अलग रीजन की, अलग अलग स्टेट की, वो बहुत अलग अलग होती हैं। जैसे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ही कोल्ड कंट्रीज़ कही जाती हैं, ठंडे देश कहे जाते हैं, जहाँ पर गर्मी नहीं होती, 12 के 12 महीने जो है मौसम, वेदर जो है वो बिल्कुल कोल्डेस्ट रहता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर पूरे के पूरे 12 मंथ जो हैं वो गर्मी ही रहती है, या कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर गर्मी सर्दी दोनों तरह के मौसम आते हैं। तो अब सपोज कीजिए एक फ़ैन बनाने वाली कंपनी है, तो फ़ैन बनाने वाली कंपनी का जो बिजनेस होगा वो वहीं होगा जहाँ पर गर्मी होगी, तो गर्म जो देश होंगे वहीं पर उसका बिजनेस ज़्यादा अच्छा रन करेगा। तो इस तरह उसने अपनी मार्केट का सेगमेंटेशन बना लिया है कि उसने एक रीजन चुना है हॉट कंट्रीज, गर्म देश, तो उसने एक वेरिएबल डिसाइड करा है, जियोग्राफिक वेरिएबल है ये, इसके अकॉर्डिंग वो हॉट कंट्रीज में जो अपनी वैरायटीज हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केटिंग पॉलिसी अलग रखेगी और कोल्ड कंट्रीज में अलग रखेगी। बहुत कम सेल होगी, ना के बराबर ही सेल होगी, तो वहाँ उनकी पॉलिसीज अलग होंगी, वहाँ पर वो उतना ध्यान नहीं देंगे जितना जो है हॉट कंट्रीज में देंगे, क्योंकि वहाँ उनकी डिमांड भी आएगी तो उसकी सेल भी बढ़ेगी। तो इस तरह से जो है अलग अलग रीजन के हिसाब से, नेशनलिटी के हिसाब से, अलग अलग सिटी के साइज के हिसाब से जो है मार्केट का सेगमेंटेशन बना लेना, इसे कहते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन।
जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में सिटी साइज भी इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा बड़ा सिटी होगा उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर सेल की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी ज़्यादा होंगी। जो सिटी साइज जहाँ कम होगा वहाँ पर पॉपुलेशन जाहिर सी बात है कम होगी, तो वहाँ पर जो डिमांड है वो भी कम आएगी, तो सेल की जो ग्रोथ है वो भी धीरे होगी। तो इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से हमने अलग अलग जो है जियोग्राफिक लोकेशन डिसाइड कर ली कि कहाँ कंपनी को किस तरह की पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कर लें। और साथ साथ जियोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब इससे आगे का सेगमेंटेशन हम कर, दूसरा सेगमेंटेशन का बेस है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से भी ये मोस्ट जो है क्लोजली रिलेट करता है, क्योंकि जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर जो होते हैं उनकी नीड्स वांट और जो उनकी कल्चर है वो डिपेंड करता है। हर जियोग्राफिक लोकेशन के कंज्यूमर्स की अलग अलग नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, कल्चर्स होते हैं, तो अलग अलग लिविंग स्टाइल होते हैं, हैबिट्स होती हैं, तो ये सब जो हैं उससे कोरिलेट करती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मार्केट का जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कर लें। नेक्स्ट आता है इसमें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। जैसा कि अभी हमने बताया था कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के बहुत क्लोजली होता है क्योंकि ये उसी पर डिपेंड होता है। अंडर दिस मेथड ए मार्केटर क्रिएट सम मार्केट बेस्ड ऑन द कंज्यूमर डेमोग्राफिक फीचर्स लाइक इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। तो डेमोग्राफिक जो सेगमेंटेशन है उसके जो मेन वेरिएबल हैं उसमें आते हैं इनकम, इनकम लेवल, किसी जियोग्राफिक लोकेशन में ज़्यादा जो है इनकम लेवल होती है लोगों की, पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं, कुछ जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में कम होती है उनकी इनकम, पर कैपिटा इनकम कम होती है। जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी उतनी ही लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जो सेल है, जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होंगी, और वहाँ पर मार्केट में ग्रोथ करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो ये एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा जियोग्राफिक लोकेशन पे। फैमिली साइज किस तरह के हैं, फैमिली जॉइंट फैमिली ज़्यादा वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है मिलती हैं या फिर जो है सेपरेट फैमिली मिलती हैं, इस तरह की भी सेगमेंटेशन जो है देखने पड़ते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से फिर प्रोडक्ट की साइजिंग की जाती है कि किस साइज़ का प्रोडक्ट या किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट की पैकेजिंग होनी चाहिए। फैमिली लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन, लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है, तो ये सब जो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए हाउस बिल्डर कैन सब डिवाइडेड हिज मार्केट इंटू 5 ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन एकोमोडेशन साइजिस ऑफ 1 रूम सेट, 2 रूम सेट एक्सेट्रा। और ए साइकिल मैन्युफैक्चरर कैन सेगमेंट हिज मार्केट फॉर साइकिल इंटू 3 सेगमेंट्स, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन। तो इस तरह से जो है फैमिली साइज के अकॉर्डिंग एक हाउस बिल्डर ने अपने जो है 5 सेगमेंट में जो है अपने जो है रूम को जो बना के दे रहा है रूम सेट, उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, 3 रूम सेट, 4 रूम सेट, 5 रूम सेट। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट उसने जो है इसलिए बनाई है कि जिस तरह का फैमिली साइज होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हर किसी कंज्यूमर की नीड जो है वो पूरी हो जाए। जिसको एक ही अकेला सिंगल पर्सन है उसको अगर 1 रूम सेट चाहिए तो 1 रूम सेट अवेलेबल हो, उसको 2 रूम सेट परचेज ना करना पड़े। अगर वो करना पड़ेगा तो वो करेगा नहीं, बचेगा उससे, वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट क्यों करे। अगर किसी की रिक्वायरमेंट 2 रूम सेट की है तो उसको 2 रूम सेट के अकॉर्डिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। बड़ी फैमिली है तो 3, 4, 5 रूम सेट के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो इस तरह से उसने सेगमेंट बना लिए फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग। इसी तरह से साइकिल मैन्युफैक्चरर है, उसने साइकिल जो है वो 3 सेगमेंट में बनाई है, चिल्ड्रन, मैन एंड वुमेन। बच्चों के लिए अलग साइकिल बनानी है क्योंकि बच्चों की साइकिल छोटी भी होंगी। दूसरी बात यह है कि उसमें लाइटिंग वगैरह या जो जो उसमें जो उसकी जो है प्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह से होगी ताकि वो एट्रेक्टिव लगे, तो उसमें ज़्यादा वो शाइनिंग के लिए या जो है लाइटिंग वगैरह ज़्यादा करेगा बच्चों के हिसाब से। दूसरा जो है मैन एंड वुमेन के हिसाब से अलग अलग साइकिल बनाई जाती हैं। मैन की साइकिल जो है वो ऊंची बनती है और उसी हिसाब से उसमें चेंजेस होते हैं, जबकि वुमेन की साइकिल जो है वो थोड़ी कम ऊंचाई की बनती हैं और उसमें
अलग हिसाब से चेंजेस रखे जाते हैं। तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर जो हैं वो अलग अलग जो हैं प्रोडक्ट को वेरिएंट करते हैं, वेरिएबिलिटी डालते हैं उसमें, ताकि वो अलग लगे देखने में और उसी एज के अकॉर्डिंग या उसी पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वो सुटेबल लगें। तो इस तरह से जो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम कंज्यूमर की इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, इसके अकॉर्डिंग हम अपना सेगमेंटेशन मार्केट का कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन आता है कंज्यूमर की अपनी इंटरनल मोटिव से रिलेटेड सेगमेंटेशन। हर कंज्यूमर के अपने इंटरनल मोटिव्स होते हैं, अपने इंटरनल जो हैं वो उसका एक बिहेवियर होता है जिससे वो परचेजिंग पावर उसकी चेंज हो जाती है, उसमें जो है उसका जो इंटरनल मोटिव है वो झलकता है। इन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कस्टमर्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये हैं वो जो है पर्सनल मोटिव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, लाइफ स्टाइल, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, मोटिवेशन, प्रायोरिटीज, ये सब जो हैं कंज्यूमर के इंटरनल मोटिव होते हैं। हर कंज्यूमर के इंटरनल मोटिव अलग अलग होते हैं, उसका एटीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट उसका किस तरह के प्रोडक्ट पर ज़्यादा है, लाइफ स्टाइल उसका कैसा है रहने का, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके जो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, दूसरों को देखकर ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। दूसरे को देखकर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो वो किस लेवल से, किस लेवल तक का इन्फ्लुएंस उसको जो इन्फ्लुएंस होता है वो दूसरे को देख करके, उसके मोटिवेशन लेवल और उसकी प्रायोरिटीज, ये सब जो हैं उसके परचेजिंग पावर पे इफ़ेक्ट डालती हैं। हाई वैल्यूज़ वाले जो पर्सन हैं वो हाई क्वालिटी की चीज़ें ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, वो कॉस्ट से मतलब नहीं रखते। एटीट्यूड, हर पर्सन का अपना एक एटीट्यूड होता है, कोई हाई एटीट्यूड रखता है, कोई लो एटीट्यूड रखता है, कोई मीडियम लेवल एटीट्यूड रखता है। इंटरेस्ट, किसका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट नए नए प्रोडक्ट्स को परचेज करने में और पुराने ओल्ड फैशन प्रोडक्ट्स को निकालने में रहता है, वो नया प्रोडक्ट आते ही पुराना प्रोडक्ट सेल कर देते हैं और नया प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह से हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट लेवल होता है, लाइफ स्टाइल होता है, हर किसी का अपना इनकम लेवल के हिसाब से लाइफ स्टैंडर्ड होता है, वो उतनी ही ज़्यादा ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ करता है। तो ये सब एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द लग्जरी कार ब्रांड मैनी चूज टू फोकस ऑन द कस्टमर्स हु वैल्यू क्वालिटी एंड स्टेटस। तो एक लग्जरी कार बनाने वाली जो ब्रांड है उसने अपने कस्टमर्स की एक रेंज बनाई है जो कि हाई क्वालिटी और स्टेटस में बिलीव रखते हैं, यानी वो चाहते हैं कि उनके पास प्रोडक्ट ऐसा हो जो बहुत कम लोगों के पास हो, यानी बहुत हाई लेवल का जो है उसे रखना जो है एक अपने आप में एक स्टेट सिंबल माना जाए, एक स्टेटस माना जाए। क्लब्स एंड रेस्टोरेंट सब डिवाइड देयर कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू कल्चरल फीचर्स। इसी तरह से क्लब और रेस्टोरेंट जो हैं वो अपने कस्टमर्स के कल्चरल फीचर के हिसाब से अपने जो फैसिलिटीज़ हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में भी और क्लब्स वगैरह में भी अलग अलग जो है मेंबरशिप फ़ीस रखी जाती हैं, कुछ हाई मेंबरशिप फ़ीस होती हैं, कुछ लो मेंबरशिप फ़ीस होती हैं अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़। जो जितनी ज़्यादा फ़ीस पे करेगा उतनी ही ज़्यादा उसको फैसिलिटी मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू मानी जाएगी, उतना ही ज़्यादा उसका स्टेटस माना जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो पर्सन होते हैं जिनकी अलग अलग तरह की जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो उन पर जिनका इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी परचेजिंग पर, उनके हिसाब से जो है मैन्युफैक्चरर भी या सर्विस प्रोवाइडर भी अपनी सर्विसेज को डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिज़ायर सेटिस्फाई कर पाएँ और कंज्यूमर जो है उनसे सेटिस्फाई रहे। नेक्स्ट इसमें आता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अंडर दिस मेथड द कंज्यूमर आर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में क्या होता है कि कंज्यूमर का जो डिवाइडेशन है, जो मार्केट सेगमेंटेशन है, वो कंज्यूमर के बिहेवियर पर डिपेंड करके उससे उसी हिसाब से मार्केट का हम सेगमेंटेशन कर देते हैं। जैसे परचेजिंग हैबिट्स, स्पेंडिंग हैबिट्स, यूज़र स्टेटस, ब्रांड इंट्रैक्शन एक्सेट्रा। हर किसी पर्सन की, हर कंज्यूमर की अपनी अपनी परचेजिंग हैबिट होती है। कुछ हाई परचेजिंग करते हैं, कुछ लो परचेजिंग करते हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट परचेज करते हैं। स्पेंडिंग हैबिट्स,
कुछ लोगों को खर्चा करने की ज़्यादा आदत होती है, कुछ को कम होती है। और फिर उसके बाद जो है ब्रांड इंट्रैक्शन, लोग बाग जो हैं ब्रांड की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें रिलायबिलिटी मिलती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सही होगा और सही सर्विस देगा। तो इस तरह से बिहेवियरल सेगमेंटेशन के बेसिस पर हम मार्केट को अलग अलग वेरिएबल में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम कंज्यूमर एक्सपेक्ट क्लीनिनेस, एंटीसेप्टिक एंड सॉफ्टनेस क्वालिटीज वाइल परचेजिंग द बाथिंग सोप। जैसे कुछ कंज्यूमर जो है जब बाथ सोप खरीदते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लीननेस उसमें ज़्यादा होगी, कुछ लोग चाहते हैं कि एंटीसेप्टिक ज़्यादा हो, कुछ चाहते हैं कि सॉफ्टनेस ज़्यादा हो। जैसे वुमेन वगैरह चाहते हैं कि जो वुमेन या चिल्ड्रन के लिए जो सोप खरीदा जाए वो सॉफ्टनेस हो उसके अंदर, ताकि उनकी स्किन को डैमेज ना करे। तो इस तरह से हर किसी की अपनी बाइंग हैबिट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हमने बाथ सोप को अलग अलग वेराइटीज़ में डिवाइड कर लिया। फॉर चिल्ड्रन अलग, फॉर जनरल यूज़ अलग, फॉर वुमेन अलग, तो इस तरह से अलग अलग डिवाइड कर लिया। सम कस्टमर आर बिलीविंग इन ओनली ब्रांडेड गुड्स, और कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो केवल ब्रांडेड गुड्स ही परचेज करना पसंद करते हैं, वो अदर गुड्स की तरफ जाते ही नहीं हैं। तो इस तरह से जो है हमने बिहेवियरल सेगमेंटेशन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन करने का बेनिफिट क्या होता है? हालांकि मैंने आपको ये सब चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर दी हैं, अब इनको हम पॉइंट आउट करेंगे कि इनका जो बेसिकली फ़ायदा क्या है। फर्स्ट इसमें है टू अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इट्स कस्टमर। सबसे पहला बेनिफिट हमें यही है कि हमें अपने कंज्यूमर का बिहेवियर पता चल जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या परचेज़ करना पसंद करता है, कितना परचेज़ करना पसंद करता है और कहाँ से परचेज़ करना पसंद करता है। ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर हम इसी हिसाब से अपनी पॉलिसी बना सकते हैं कि कंज्यूमर को कब, कैसे और कहाँ हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड है इसमें मार्केटर कैन डेवलप साउंड एंड इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम्स फॉर वेरियस सेगमेंट्स। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे अलग अलग सेगमेंट क्या हैं, अलग अलग सेगमेंट में हमारी कितनी जो है अपॉर्चुनिटी है सेल की, तो उसी हिसाब से हम अपने मार्केटिंग प्रोग्राम बना सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। थर्ड इसमें फ़ायदा होगा, मार्केट सेगमेंटेशन अनेबल ए फर्म टू अडॉप्ट डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स टू फेस द कंपटीशन। जैसा आपको मालूम है कि आज का टाइम कंपटीशन का है, ग्लोबलाइजेशन का है, न्यू न्यू प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होते रहते हैं और बाहर भी निकलते रहते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन करने से फर्म ये अनेबल हो जाती है डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजी बनाने के लिए, डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग। जहाँ कंपटीशन जिस सेगमेंट में ज़्यादा है उसके लिए हम एक अलग पॉलिसी बना सकते हैं, जिस सेगमेंट में जो कंपटीशन है अगर उसका लेवल कम है तो उस हिसाब से हमारी पॉलिसी अलग हो सकती है। तो कंपटीशन फेस करने में इसका इसकी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फोर्थ है इसमें सेगमेंटेशन हेल्प्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। सेगमेंटेशन करने से हमारे जो फाइनेंशियल और मार्केटिंग रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है मार्केटिंग की वहाँ हम ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियली ज़्यादा हम अच्छे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट कम है, जहाँ हमारी डिमांड कम है, सेल कम है, बजाय उसके जहाँ हमारी डिमांड और सेल ज़्यादा है वहाँ पर हम उस रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो बेनिफिट होता है वो है सेगमेंटेशन अनेबल से मार्केटर टू अडॉप्ट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। तो सेगमेंटेशन से हम जो है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करने में सक्षम हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं। इससे क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन या पर्टिकुलर वेरिएबल को ध्यान में रख करके एक स्पेशल पॉलिसी बनाना और उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है ये तभी कर सकते हैं जब हमने सेगमेंटेशन कर लिया हो, हमने उन जगहों को पॉइंट आउट कर लिया हो, उन वेरिएबल्स को छाट लिया हो जहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसलिए उस उन वेरिएबल्स के लिए हम अलग से अच्छी स्ट्रेटेजी बना करके एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट सेगमेंटेशन करने से हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हम ज़्यादा जो है बढ़ा सकते हैं, अच्छी मार्केटिंग पॉलिसी बन जाएंगी तो अच्छी सेल होगी और इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होकर के मिलेंगे। तो आज हमने मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे का टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।